दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पर जो कैंपेन आप क्रिएट करते हैं और कुछ कैंपेन अमेज़ोन की ओर से भी क्रिएट की जाती है, तो उसी कैंपेन का पेमेंट का जो डिडक्शन होता है, डिडक्शन के साथ ही उसका जो पेमेंट जो होता है, यानी डेली का आपका बजट होता है, उसका डिडक्शन अमेज़ोन किस तरह से करता है, क्या प्रोसेस है, वो सारी जो है इसमें मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अमेज़ोन का मेरा सेलर पैनल है और इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि कोई भी कैंपेन अगर आपको क्रिएट करनी हो या देखनी हो तो उसके लिए आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का जो ऑप्शन होता है इस पर आपको जाना है और इसमें यहाँ पर होता है कैंपेन मैनेजर। तो जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं कैंपेन मैनेजर पर, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो भी एडवर्टाइजमेंट आप क्रिएट करते हैं अमेज़ोन पर, और इसके साथ ही अमेज़ोन की ओर से भी आपको जो है कुछ कैंपेन जो होती है वो इसमें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ क्रिएट कैंपेन, तो जैसे मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ही कैंपेन क्या करता है, अमेज़ोन आपके जो कैटलॉग होते हैं उनकी वो खुद जो है अपने अकॉर्डिंग उसकी कैंपेन जनरेट करके आपको देता है। केवल आपको उनको जो है जनरेट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये कैंपेन के अलग अलग टाइप होते हैं कि आप अपनी जो प्रोडक्ट की जो कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं या अपने ब्रांड की या अपने जो स्पॉन्सर्स जो डिस्प्ले होते हैं वो अलग अलग कैटलॉग के हिसाब से होता है। तो वो चीज़ होती है, तीन तरह के इसमें दिखाया गया है और भी इसमें होते हैं किस तरह से आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होगी। तो ये कैंपेन के ऊपर दिखाया गया है कि आपके डिवाइस पे और जो भी आपके मोबाइल फ़ोन होता है या डेस्कटॉप होता है उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले यहाँ पे एज ए डेमो दिखाया गया है। तो यहाँ जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अमेज़ोन ने मेरे जो कैटलॉग होते हैं उनमें उन्होंने कैंपेन को खुद से उन्होंने क्रिएट करके दिया है। तो मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ रिव्यू कैंपेन, यानी कि अमेज़ोन की ओर से मेरे कुछ ऐसे सेलेक्टेड जो कैटलॉग थे उन पर उन्होंने किया कि जो अगर आप इनकी कैंपेन अगर आप रन करते हैं, जैसे आप देखेंगे टोटल 10 इन्होंने कैंपेन यहाँ पर क्रिएट करके मुझे दिए हैं और इसी में आप देखेंगे कि कितने हैं जो इन्होंने लास्ट में देखेंगे कि जो 14 दिन के अंदर जिस मेरे कैटलॉग पे या मेरे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन पे कस्टमर का जो इम्प्रेशन होता है, यानी उस पर क्लिक करके जो विज़िट करते हैं वो सर्च करते हैं, उसके बेस पे इन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं। तो अब इसी के बेस पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग का मेरा ये एक प्रोडक्ट है ब्रास की जो बकेट है, इसी के मैं जैसे शो डिटेल पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है अभी आप देखेंगे अमेज़ोन पे लाइव है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करके अगर आपको दिखाऊं तो ये एक तरह की ब्रास की जो है 18 लीटर की जो है बाल्टी है और इसकी प्राइस आप देखेंगे 3950 है। तो अगर मुझे इसकी कैंपेन को क्रिएट करना है यानी ऐड करने के लिए, तो अमेज़ोन ने मेरे को जो सजेस्ट किया है उन्होंने ये किया, अब यहाँ पर आप देखेंगे टाइटल आप उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है और डिफ़ाइन करने के साथ ही इसमें जो बजट होता है, बजट में क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बजट होता है अमेज़ोन अपने कीवर्ड के बेसिस पे, आप देखेंगे ये जो कीवर्ड्स जो होते हैं इसके बेस पे उन्होंने यहाँ पे बजट फिक्स किया है। बजट से मतलब होता है कि यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिड है। बिड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कस्टमर अमेज़ोन पे विजिट करता है और विजिट करने के साथ ही अगर इन कीवर्ड में से जैसे कोई भी जो कीवर्ड्स हो जैसे ब्रास बकेट विथ लीड ये सर्च करता है और सर्च करने पर मेरा ये प्रोडक्ट है उनकी विजिबिलिटी में दिखेगा और दिखने पर अगर वो ऑर्डर प्लेस करता है तो यहाँ पर मेरा बजट जो है उसमें डिडक्शन किया जाएगा 3.36, यानी 3.36 रुपये जो होता है पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे अगर कोई भी कस्टमर विजिट करता है और ये कीवर्ड वहाँ पे एंटर करता है। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, जैसे यहाँ पे एक अलग से प्रोफाइल मैं क्रिएट करता हूँ गेस्ट प्रोफाइल और यहाँ पे मैं amazon.in को ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा जो है इंडिया का है। तो यहाँ पे मैंने जैसे amazon.in को ओपन किया और जो कीवर्ड मैंने अभी आपको दिखाए थे उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के साथ ही मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यहाँ पर कीवर्ड जो मैंने यहाँ पर दिया था और उसको मैंने किया सर्च। तो अब ये क्या करेगा अमेज़ोन, इसमें देखेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला है वो, अब इसमें जो कीवर्ड वो सर्च करेगा और सर्च करने पर फिर ये ऐड टू कार्ट करेगा या बाय करेगा, तो उस केस में पेमेंट का जो डिडक्शन है वो कितना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3.36 रुपये का डिडक्शन होगा पर ऑर्डर पे। तो ये वाली चीज़ होती है। अब सेकेंड नंबर पर देखेंगे कि बिग साइज़ जो होती है ब्रास की बकेट, यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा और अगर इस कीवर्ड से जो
वो अगर सर्च करके ऑर्डर प्लेस करता है तो 4 रुपये 24 पैसे का जो डिडक्शन है वो अमेज़ोन की ओर से किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ, होम पे आया, और होम पे आने पर अब मैं कीवर्ड जो था वो वाला सर्च करता हूँ जो सेकंड नंबर का मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस जो कीवर्ड्स जो होता है अमेज़ोन क्या करता है कि जो कैंपेन आपको देता है ये कैंपेन के अंदर अलग अलग कीवर्ड्स जो होते हैं कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो आपका पेमेंट डिडक्ट करता है, और इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही जो कस्टमर इन कीवर्ड्स को यूज़ करेगा और यूज़ करने के साथ ही यहाँ पर वो जो आपका डिडक्शन होगा ये आपके कमीशन में से डिडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और है कि आपका डेली का जो बजट होता है पर्टिकुलर इस एक प्रोडक्ट का डेली का बजट भी आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इन्होंने 156 रुपये 8 पैसे का जो बजट दिया गया है ये आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं अगर आप चाहते हैं इसमें कीवर्ड को चेंज करना और बिड जो होती है इसका अमाउंट भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन होता है इसके अंदर आप देखेंगे एडिट का। तो जैसे आप एडिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं जैसे कर देता हूँ यहाँ पर कंटिन्यू सेव, तो अब यहाँ आप कैंपेन कब से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैंपेन का जो होता है स्टार्ट डेट और एंड डेट ये दोनों आप फिक्स कर सकते हैं, और फिक्स करने के साथ ही इसका नेम आप क्या डिफ़ाइन करना चाहते हैं नेम भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपका डेली का जो बजट होता है वो भी आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। और अब यहाँ पर कीवर्ड्स का जो होता है आप देखेंगे कीवर्ड्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब कीवर्ड्स के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स जो होते हैं उसमें आप अमाउंट को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिड जो होती है वो डायनेमिक होती है तो ये इसको आप चेंज कर सकते हैं। जो भी कीवर्ड्स अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रिमूव करके और जो जो कीवर्ड्स आप यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि अमेज़ोन ये खुद कीवर्ड्स आपको देता है और देने के साथ ही जो कीवर्ड्स आप ऐड करना चाहते हैं उसका यहाँ पर सजेशन जो बिड होती है वो भी यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ जग हो गया, लोक हो गया, यहाँ पे क्योंकि मेरा बकेट से रिलेटेड है तो यहाँ से आप बकेट जो होती है इसमें आप ऐड कर देंगे तो वो वाला अमाउंट यो कीवर्ड्स आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ, जो जो मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर वो ऐड होता जाएगा, आप ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से वो हटता जाएगा, मतलब ये एडेड एडेड एड यहाँ पर दिखा देता है कि आपने इस कीवर्ड को इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह से अमेज़ोन पे क्या कर सकते हैं आप अपनी कैंपेन होती है कैंपेन के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के साथ ही आप अपना डेली का जो बजट होता है बजट के साथ ही आप अपना जो स्टार्टिंग इसकी डेट होती है डेट होने के साथ ही इसका आप कब इसको एंड करना चाहते हैं वो सारा का सारा प्रोसेस आप इससे कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने किसी भी प्रोडक्ट पे जो है कोई भी कैंपेन रन नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग इसमें अगर कोई भी कैंपेन रन करना चाहते हैं तो कैंपेन रन करने का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका कैंपेन जो होता है आप अमेज़ोन पे रन कर सकते हैं, और इसका मैंने बिड का जो होता है बिड अमाउंट होता है और कुछ कीवर्ड्स होते हैं आप अपने अकॉर्डिंग भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अमेज़ोन पे कैंपेन अगर आप रन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी, और आप अपना पर्सनल अगर कोई भी नया कोई प्रोडक्ट होता है उसकी का कैंपेन अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये तो अमेज़ोन की ओर से आपको सजेस्ट की जाती है कि आप इन इन प्रोडक्ट जो होता है इस पर आप अपने जो कैंपेन होती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के साथ ही मैंने आपको व्यू भी दिखा दिया, व्यू के साथ में बिड का जो लेवल होता है कौन कौन से ऐसे बिड होते हैं उसका अमाउंट भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके कीवर्ड्स भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अमेज़ोन का कैंपेन का जो चार्जेस होते हैं कीवर्ड के बेसिस पे होते हैं, और अगर आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं तो उसमें कीवर्ड्स आप ऐड करना चाहते हैं तो अमेज़ोन की ओर से ही आपको वो कीवर्ड्स जो है वो डिफाइन किए जाते हैं और उसी में से आप सेलेक्ट करके अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।